नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों 30 मई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, यानी डेली न्यूज़ की तरफ, यानी करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस YouTube वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडियन नेवल शिप कलिंगा की, जिसपे 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 30 मई के दिन ग्लोबल लेवल के ऊपर वर्ल्ड वेब डे मनाया गया, जो कि एक अवेयरनेस डे है दोस्तों ई सिगरेट को परित्याग करने के लिए। उसके बाद रेस्ट इन पीस, जी हां एक दुखद समाचार आया है भारतीय बॉलीवुड की तरफ से, और जाने माने सिंगर लिरिक्स योगेश गौड अब इस दुनिया में नहीं है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण में संदीप प्रधान जी सरकार, जो कि डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर वर्तमान में है, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया, तो इसको हम डिटेल से लेंगे। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में सर आरएस ढिल्लन सर को अपॉइंट किया गया है एज ए हेड की पोस्ट के ऊपर, इसको डिटेल से लेंगे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन, यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको इस सेलिब्रिटी का चेहरा दिखा के पूछा था कि आप वर्तमान में किस पोस्ट पर हैं। आप हैं भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार के चार्टेड अकाउंटेंट, जिनका चार्टेड अकाउंटेंट की तरह जो कार्य होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है, जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य है। और वर्तमान में 13वें केक के रूप में मिस्टर राजीव महर्षि अपॉइंटेड है। चलते हैं दोस्तों इंडियन नेवल शिप कलिंगा की तरफ, और इंडियन नेवल शिप कलिंगा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया। अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, रिन्यूअल एनर्जी के हिसाब से काफ़ी अच्छी, मैं कह सकता हूँ एक इनिशिएटिव है जो कि पोल्यूशन होने से बचाता है, और एक ऐसी एंडलेस एनर्जी जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उसमें एक अच्छा कदम हमारी नेवल के द्वारा उठाया गया कि 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया हमारे इंडियन नेवल शिप कलिंगा के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 29 मई की तरफ। जी हां 29 मई के दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और उस माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8848 किलोमीटर है, जबकि कई लोग 8845 का दावा भी करते हैं। इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, तो भारत में इस सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आती है माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 29 मई के दिन, क्योंकि पहली बार 29 मई के दिन ही एवरेस्ट के ऊपर फतेह की गई थी। दोस्तों चलते इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, जहां पे डायरेक्टर जनरल के रूप में संदीप जी प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में है, और जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 के दिन की गई थी, और ये भारतीय खेल के कंट्रोलर यानी प्राधिकरण अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक अवेयरनेस डे, जो कि 30 मई 2020 के दिन सेलिब्रेट किया गया, जिसे वर्ल्ड वेब डे के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे हम ई सिगरेट कहते हैं, जो कि लगभग भारत में बैन है, उसके ऊपर रोक करने के लिए, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए वर्ल्ड वेब डे 30 मई 2020 के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं एक शोक यानी एक दुखद खबर की तरफ, रेस्ट इन पीस। जी हां बॉलीवुड के जाने माने सिंगर लिरिक्स योगेश जी गौड़ अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों आपने गाना तो सुना होगा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आनंद मूवी का। आनंद मूवी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी की काफ़ी अच्छी मूवियों में से एक मानी जाती है, और उसमें कहीं दूर जब दिन ढल जाए, या जिंदगी कैसी है पहली हाय, या रजनीगंधा फूल तुम्हारे, जो कि रजनीगंधा मूवी का, और रिमझिम गरे सावन, या बातों बातों में अमोल पालेकर सर की जो मूवी थी उसमें बातों ही बातों में प्यार हो जाएगा, या ना बोलो तुम ना मैंने कुछ कहा, ऐसे शानदार गोल्डन कलेक्शन लिखने वाले योगेश जी गौड़ अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ बॉलीवुड के अंदर सदमे पे सदमा लगातार आ रहा है, और इसकी सुनामी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने इरफान जी को और ऋषि कपूर जी को
इस दुनिया से देखा है कि वो हमें छोड़ के चले गए और अब एक कोर क्षति हुई है और वो ये योगेश जी गोड़ की। जी हाँ, योगेश जी गोड़ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर मिस्टर रविंदर सिंह ढिल्लन को एज ए चेयरमैन एंड MD की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने राजीव जी शर्मा को रिप्लेस करा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 1986 में हुई और जो क्या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारी नवरत्न कंपनियों के अंदर आती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ, और एक अच्छी खबर अभी आई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18% से बढ़ा है, यानी इसको मैं US डॉलर में बोलूँ तो 73.46 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर लॉकडाउन के चलते हुए भी बाहरी निवेश बढ़ा है और इसमें सिंगापुर नंबर वन देश में आया कि सर्वाधिक जो FDI इन्वेस्टमेंट करने में आगे रहा वो सिंगापुर रहा। लेकिन सिंगापुर को कंपेरिजन करूँ 2018-19 और 19-20 में तो इसका FDI का टोटल अमाउंट गिरा है। 18-19 में जब सिंगापुर ने भारत में $16.22 बिलियन इन्वेस्टमेंट करा था, वो 2019-20 में उसका इन्फ्लो $14.67 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट गिरने के बावजूद भी नंबर वन के ऊपर सिंगापुर आता है। दोस्तों FDI को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रमोशन जो वीकेंसी डिपार्टमेंट है उसको DPIIT के नाम से जाना जाता है, जिसे हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका चाइल्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन DPIIT कहलाता है। और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो संभालते हैं वो हमारे रेल मंत्री पीयूष जी गोयल ही संभालते हैं और DPIIT का हेडक्वार्टर देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चलते करंट अफेयर्स क्विज की तरफ, और करंट अफेयर्स क्विज में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, अभी हाल ही के अंदर द लैग बुक लिखने वाली ऑथर का क्या नाम है, और आपके ऑप्शन में राइट आंसर होता है दोस्तों JK Rowling। JK Rowling जो कि जानी मानी लेखिका है और जिसने हैरी पॉटर जैसी किताबें जो सीरीज लिखी है उन्हीं ने अभी लॉकडाउन को देखते हुए आपका इकाकबोक करके एक किताब लिखी है। ये इकाकबोक जो किताब है ये JK Rowling के द्वारा लिखी गई है COVID-19 पैंडेमिक को देखते हुए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है उसके अंदर किसको नॉमिनेट किया गया है, और आपके विकल्प आपके सामने फारूक जी अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद। तो सही आंसर होता है दोस्तों फारूक जी अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला को जो 5 मेंबर पार्लियामेंट्री जो इंक्लूडिंग की गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसमें फॉर्मर CM फारूक जी अब्दुल्ला को इसमें चुना गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अभी हाल ही के अंदर अजीत जोगी जी का इंतकाल 29 मई 2020 के दिन 74 साल की उम्र में हो गया, आप किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और आपके विकल्प है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सही आंसर होता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य अजीत जी जोगी को मिला था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु 29 मई 2020 के दिन हो गई थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो, यानी विप्रो के नए CEO और MD के रूप में फर्स्ट नॉन इंडियन व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, वो कौन है। आपके विकल्प है रिशाद जी प्रेम जी, और थियारी डेलोप्रोट, मार्क पाउलो और हेनरी स्कैट्स। राइट आंसर होता है दोस्तों बी, यानी थियारी आपका डेलप्रोटो। इनको वर्तमान के अंदर यानी ये 6 जुलाई 2020 के दिन जो है अपना स्थान ले लेंगे, और ये पहले नॉन इंडियन CEO और MD होंगे भारत की IT कंपनी विप्रो के। उसके बाद दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता का चेहरा आपके सामने है, आप एक जानी मानी भारतीय राजनीतिज्ञ है और अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है, और आपको ये बताना अभी WHO में इन्होंने अब भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी करा है, आपको बताना आपका नाम क्या है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।